तो चलिए अब उत्तराखंड की खबरों का भी रुख करते हैं। चंपावत विधानसभा सीट पर उपचुनाव में दमदार जीत के लिए दमखम दिखा रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। रात में सीएम खटीमा में ही रुके, सुबह करीब 10:30 बजे चंपावत मुख्य बाजार में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसके बाद नारियल गांव में जनसंपर्क और जनसभा करेंगे। सीएम करीब 2 बजे बेलखेत में जनसंपर्क करेंगे, उसके बाद टनकपुर में जनसंपर्क करेंगे। आज भी सीएम धामी खटीमा में ही रात्रि विश्राम करेंगे। तो महत्वपूर्ण अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं मुख्यमंत्री धामी के कार्यक्रम से जुड़ी हुई, क्योंकि चुनाव प्रचार में धामी लगातार जुटे हुए हैं। और अब आपको एक ब्रेकिंग स्टोरी इस वक्त बताते हैं चंपावत उपचुनाव से जुड़ी हुई। चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस की तैयारियों को आगे बढ़ाएंगे हरीश रावत। आज से हरीश रावत भी चंपावत उपचुनाव में एक्टिव नजर आएंगे। चंपावत के रण को जीतने के लिए आज से जोर लगाएंगे, चंपावत में मौजूद नेताओं के साथ मिलकर प्रचार पर जोर देंगे। बड़ी खबर ये इस वक्त हम आपको बता रहे हैं चंपावत उपचुनाव से जुड़ी हुई। कांग्रेस अब अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। पार्टी के ताओं का नेतृत्व यहां पर हरीश रावत करते हुए आपको नजर आने वाले हैं।